हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का हमने एक्सरसाइज 7.1 तक हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 7.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, सबसे पहले क्या है आइसोसेल्स ट्रायंगल? आइसोसेल्स ट्रायंगल्स कौन सी होती हैं? ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं हमारे पास। इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है ए बी सी। ये हमने एक ट्रायंगल बना ली ए बी सी, ए बी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, और इसमें क्या दे रखा है, जो ए बी है वो किसके इक्वल है, ए सी। मीन्स ये जो साइड है ये इस साइड के इक्वल है। द बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, और जो एंगल बी और एंगल सी का जो बाइसेक्टर मीन्स हाफ हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, वो जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो कहाँ मिलता है, पॉइंट ओ पर। ज्वाइन ओ टू ए, और जो ओ है उसको किससे ज्वाइन कर लिया हमने, ए से ज्वाइन किया। शो दैट, अब हमें प्रूव करना है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी एंड ए ओ, जो ए ओ है वो बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल ओ को। देखो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो हम क्या ट्रायंगल ले लेंगे, ये दो ट्रायंगल लेके चल पड़ेंगे और दोनों ट्रायंगल को क्या दिखा देंगे, कॉन्ग्रेंट दिखा देंगे। एक दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, अगर इसको कॉन्ग्रेंट दिखा के करेंगे तब भी हमारे पास हो जाएगा। दूसरा हमारे पास कैसे है, ए बी इज इक्वल टू ए सी हमारे पास क्या है, गिवन है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हमारे पास क्या लिख देंगे, गिवन। अब जो ए बी है इसके सामने एंगल क्या बना हुआ है, ये हमारे पास ए बी है, ए बी के सामने एंगल कौन है, सी एंगल है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए सी बी, और जो ए सी है इसके सामने एंगल कौन बना हुआ है, बी। इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी सी। ये अगर दो साइड इक्वल हैं तो इनके सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, दो अपोजिट साइड्स के जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, अगर साइड इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होते हैं। अब दोनों का हाफ कर दिया हमने, 1/2 ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 ए सी बी। दोनों का अगर हम हाफ हाफ कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इन्होंने बोल रखा है कि बाइसेक्ट करने से बना है, बाइसेक्ट करने से बना है तो ये बनेगा हमारे पास और इधर ये बनेगा आपके पास। इसको हम क्या नाम दे देंगे, ओ बी सी लिख देंगे, और दूसरे को हम क्या लिख देंगे, ओ सी बी। तो दोनों को क्या नाम लिख दिया, एक को सी बी ओ लिख दिया, एक को बी सी ओ लिख दिया। ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली, ये दोनों इसके बाइसेक्टर है तो हाफ हाफ में डिवाइड कर रखा है। अब हाफ हाफ में डिवाइड कर रखा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो जो ये है हमारे पास, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इसके सामने साइड कौन है, ओ बी, और इसके सामने साइड कौन है, ये ओ सी। तो क्या बोल देंगे, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। कोई भी हमारे पास दो एंगल्स हैं, अगर दोनों एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट की साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। सेकेंड हमें प्रूव करना है कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, कि जो ए ओ है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है। हमने क्या किया था, हाफ कर दिया था ए बी सी का और ए सी बी दोनों का एंगल का हमने हाफ किया, तो हमारे पास हाफ करने के बाद क्या आया, ए बी ओ आ जाएगा, ए बी सी। देखो हमारे पास यहाँ पे है बी एंगल, ये बी एंगल हो गया और ये सी एंगल हो गया। अब तो हमें किसको प्रूव करना है, कि ए को प्रूव करना है। इस ट्रायंगल के बजाय हम हमारे पास ये जो ट्रायंगल बची हुई है, इन ट्रायंगल से करेंगे हम इसको, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, सी पी सी टी हो जाएगा। देखते हैं कैसे। अब ये है हमारे पास, तो हम क्या लेके चले कि एंगल ए बी ओ किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए सी ओ, क्योंकि ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। देन हमारे पास ये दोनों एंगल ये भी क्या हो गए, इक्वल। अब हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, दोनों में क्या है, एक तो गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, दूसरा हमारे पास ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये हमने प्रूव कर दिया ऊपर कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है। और थर्ड हमारे पास क्या है, एंगल ए बी ओ, अभी हमने प्रूव किया था कि एंगल ए बी ओ एंड एंगल ए सी ओ दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ हमने प्रूव किया था अगर तीन चीज़ इक्वल होगी तो क्या बोल देंगे, ट्रायंगल्स ए बी ओ एंड ट्रायंगल्स ए सी ओ आर ए कॉन्ग्रेंट, दोनों की दोनों ट्रायंगल्स कैसी हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। और ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई तो हम क्या बोल देंगे कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, इट मीन्स ए ओ है वो बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल ए को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, इन ट्रायंगल ए बी सी
एक ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी, ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, और बी सी का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है ए डी, शो दैट ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, हमें प्रूव करना है ए बी सी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है और उसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है, इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है और प्रूव क्या करना है कि आइसोसेल से ट्रायंगल है। सबसे पहले तो हमने क्या फिगर ड्रॉ की कि ए बी से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे और ए डी उस पर क्या है परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर करने के बाद हमारे पास गिवन में क्या दे रखा है कि एक साइड दे रखी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमारे पास है। अब देखते हैं कैसे, ये अगर हम प्रूव कर देंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो क्या बोल देंगे ट्रायंगल्स कैसी है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, दो ट्रायंगल बन गई, एक हमारे पास क्या नाम दे देंगे, दो ट्रायंगल हो गई ए बी डी और ए सी डी, दोनों ट्रायंगल्स को लेके चले, एक बार ये ट्रायंगल ले ली एक बार ये, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे हम। कैसे प्रूव करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी, क्योंकि डी हमारे पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो कितने का 90 डिग्री का एंगल बनाएगा दोनों पे, इसलिए क्या बोल देंगे एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, और बी डी इज इक्वल टू सी डी, क्यों, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर है तो जो लाइन है उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर रखा है, ये जो अगर परपेंडिकुलर है तो ये जो लाइन है बी डी ये किसके इक्वल होगी सी डी के, ये हमारे पास है, इससे पता चल गया। और ए डी है वो दोनों में क्या आ जाएगा हमारे पास से कॉमन है, क्योंकि दोनों अगर ट्रायंगल ले रहे हैं ये ट्रायंगल लो या फिर ये लो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपके पास से ए डी, तो हम क्या बोल देंगे तीन चीज़ इक्वल दिखा दी हमने, ये हमारे पास देखो यहाँ पे जो एंगल बनेगा 190, इधर भी 90 का है, ये साइड है इस साइड के इक्वल और ये दोनों में क्या हो गई कॉमन हो गई, तो हम क्या बोल देंगे साइड एंगल साइड, किससे बोल देंगे भाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से हमारे पास क्या है ये कॉन्ग्रेंट है, तो हम क्या बोल देंगे ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी डी, और कॉन्ग्रेंट है तो क्या है बाई सी पी सी टी ए बी इज इक्वल टू ए सी, और जब दो साइड इक्वल हो गई तो ट्रायंगल कैसी हो गई आइसोसेल्स ट्रायंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, अब हमें गिवन है कि ए बी सी कैसे एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर जो टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी, और ए सी और ए बी दो हमारे पास इक्वल साइड है, उन दोनों पे हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर बोलते हैं दोनों पे हमने एक एल्टीट्यूड को, हाइट भी बोलते हैं परपेंडिकुलर भी, हाइट ड्रॉ कर दी जिसका नाम क्या है बी ई और सी एफ, शो दैट दिस एल्टीट्यूड आर इक्वल, हमें प्रूव करना है कि दोनों एल्टीट्यूड भी इक्वल हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल है आइसोसेल्स ट्रायंगल है, कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है ए सी के इक्वल है, ये हमारे पास गिवन है ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और दूसरा हमारे पास क्या है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ये जो साइड इक्वल है इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अब हमारे पास क्या है, हमने एक बी ई ड्रॉ कर रखा है एक एल्टीट्यूड और सी एफ, दो एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रखे, हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो दोनों एल्टीट्यूड हैं ये भी क्या है इक्वल है, तो दो ट्रायंगल लेके चल पड़े हम, फर्स्ट ट्रायंगल का हमारे पास क्या ले लेंगे बी एफ सी, एक ट्रायंगल हमारे पास क्या हो गई बी एफ सी, ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो जाएगी बी एफ सी, दूसरी हमारे पास ट्रायंगल क्या हो जाएगी सी ई बी, एक ट्रायंगल आपके पास ये हो जाएगी, दो ट्रायंगल्स हो जाएंगे हमारे पास है, दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके क्या बोल देंगे बाई सी पी सी टी, कैसे देखो एंगल है हमारे पास बी एफ सी, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ भी, तो क्या बोल देंगे बी एफ सी इक्वल है किसके सी ई बी के, ईच 90 डिग्री, दूसरा हमारे पास क्या है एंगल बी है वो इक्वल था, दोनों का हाफ कर देंगे तो दोनों का हाफ भी इक्वल होगा, इसलिए क्या लिख देंगे एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू ई सी बी, दोनों भी क्या होंगे प्रूव कर रखा है ये हमने, और ये हमारे पास इक्वल भी है, कंडीशन में भी दिया हुआ है कि दोनों हमारे पास प्रूव किए थे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्रूव्ड। और थर्ड हमारे पास क्या आता है बी सी, बी सी हमारे पास ऐसी लाइन जो दोनों में कॉमन है, तीन चीज़ हमारे पास इक्वल हो गई, एक 90 डिग्री का एंगल आ गया हमारे पास, एक ये एंगल इक्वल हो गया, एक ये साइड इक्वल हो गई, तो कैसे इक्वल हो गया एंगल एंगल साइड, हम क्या बोल देंगे कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है एंगल एंगल साइड से, अब दोनों इक्वल प्रूव कर दिए तो क्या बोल देंगे कि बी ई है वो किसके इक्वल है सी एफ के इक्वल है बाई सी पी सी टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर फोर क्या दे रखा है? ए बी सी इज ए ट्रायंगल. ए बी सी एक ट्रायंगल है इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर ए इक्वल. और आपको क्या क्या दे रखा है कि जो हमारे पास दो एल्टीट्यूड हैं और साइड्स पे किस पे हैं, ए सी और ए बी पे, वो इक्वल हैं. तब हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ए सी एफ के और ए बी इज इक्वल टू ए सी. ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल. ये हमें प्रूव करके दिखाना है. इन ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखी है, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रखा है. हमें गिवन क्या प्रूव करना है, ए बी ई. ये हमारे पास जो है ए बी ई, ये मेरे पास जो दे रखी है ये ट्रायंगल. और दूसरी क्या है, ए सी एफ, एक ये ट्रायंगल आ जाएगी. दोनों में कॉमन हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ कॉमन है दोनों में. ये हमारे पास एक तो इधर से आएगी और एक हमारे पास ये आई. प्रॉपर कॉमन कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है कॉमन, दोनों में एंगल ए कॉमन है. देखते हैं कैसे. सबसे पहले क्या है, बी इज इक्वल टू सी एफ. गिवन दे रखा है कि जो बी ई है वो किसके इक्वल है, सी एफ के. ये गिवन हो गया. दूसरा क्या है, एंगल बी ए ई किसके इक्वल है, एंगल सी ए एफ के इक्वल. क्योंकि एंगल ए दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया. ये हम क्या बोल देंगे, दोनों में क्या है, कॉमन एंगल है हमारे पास. अब थर्ड हमारे पास क्या है कि यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा. तो क्या बोल देंगे, बी ई ए इज इक्वल टू सी एफ ए. दोनों पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, तो ईच 90 डिग्री. अब दोनों को हमने क्या प्रूव कर दिया, तीन चीज़ प्रूव कर दी. तो हम क्या बोल देंगे, सो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी एफ के. अब दूसरा हमें क्या प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू ए सी. जब ये दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दी, तो जो ए बी है वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा भाई, सी पी सी टी. और जब दो साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो ट्रायंगल्स कैसी होती हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल. तो क्या बोल देंगे, ए बी सी क्या है हमारे पास, एक आइसोसेल से ट्रायंगल. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेल से ट्रायंगल. हमारे पास दो आइसोसेल्स ट्रायंगल दी हुई है, ए बी सी एंड डी बी सी, ठीक है, ऑन द सेम बेस. और जिन दोनों का सेम बेस क्या है, बी सी. दो ट्रायंगल है, दोनों का बेस क्या है, बी सी. शो दैट ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी. ये आपको दी हुई है दो, ए बी सी और बी सी डी. दोनों का सेम बेस क्या हो गया, बी सी. ये ट्रायंगल बनाएंगे तब भी ये बेस है, इधर वाले ट्रायंगल बनाएंगे तब भी ये आ गया बेस. अब देखते हैं कैसे. और दोनों की ट्रायंगल कैसी दे रखी हैं, फिफ्थ है ना, ए बी सी और डी बी सी आइसोसेल्स. आइसोसेल्स मीन्स उनके दो साइड इक्वल हैं. तो ए बी इज इक्वल टू ए सी और बी डी इज इक्वल टू सी डी. दोनों इक्वल दे रखी है. अब हमें प्रूव करना है एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी. आइसोसेल्स ट्रायंगल दे रखी है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी. और दूसरा हमारे पास क्या बोल देंगे, ए बी सी यहाँ पे जो एंगल बनेगा, और दूसरा ए सी बी. साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल हो गए. इसको भी हमने ले लिया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. नाउ एन इन आइसोसेल्स ट्रायंगल डी सी बी. इसी तरह अब डी सी बी में भी ऐसे ही ले लेंगे कि बी डी है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल. अब यहाँ जो एंगल बनेगा वो इस एंगल के इक्वल होगा. तो क्या बोल देंगे, डी बी सी इज इक्वल टू डी सी बी के इक्वल है. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को जब हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया, एंगल ए बी सी प्लस डी बी सी, ए बी सी प्लस डी बी सी, लेफ्ट में लेफ्ट को, राइट में राइट को. ये फर्स्ट है हमारे पास, ये सेकंड. और ए सी बी प्लस डी सी बी. अब देखो एंगल ए बी सी, ए बी सी मीन्स एंगल ये आया आपके पास, प्लस डी बी सी, डी बी सी बी पे आया एंगल, ये हो गया. तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, पूरा एंगल हो गया. इसको हम क्या बोल देंगे, ए बी डी. इसको मैंने क्या बोल दिया, ए बी डी इज इक्वल टू. इसी तरह से हमारे पास ए सी बी दे रखा है, ये एंगल आ जाएगा. दूसरा क्या है हमारे पास, डी सी बी, ये एंगल आ जाएगा. दोनों का इंक्लूड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ए सी डी. इसको मैंने क्या लिख दिया, ए सी डी. और यही आपको क्या करना था, प्रूव. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी. ए बी सी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल दी हुई है और ए बी किसके इक्वल दे रखा है, ए सी के. साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड, और जो हमारे पास साइड बी ए थी उसको प्रोड्यूस कर दिया किसी पॉइंट डी तक, सच दैट ए डी इज इक्वल टू
ए बी, जितना ए बी था उतना ही हमारे पास क्या आया, ए डी. शो दैट, अब हमें प्रूव करना है कि एंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल, बी सी डी, कि यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एक राइट एंगल. राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का. देखो गिवन में क्या दे रखा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, फिर हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया, और कितना प्रोड्यूस किया, जितना ए बी था इतना ही प्रोड्यूस किया, तो इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए सी, और वो भी क्या हो जाएगा इसके ए डी के इक्वल, तीनों इक्वल हो गई हमारे पास. देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इसके सामने यहाँ एंगल बनेगा और इसके सामने यहाँ एंगल बनेगा, दोनों एंगल भी इक्वल हैं. क्या लिख देंगे, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ए बी सी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. अब क्या बोल दिया, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी है वो ए डी के इक्वल है, और जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, तो जब दोनों ए बी ए डी के इक्वल है तो ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के भी इक्वल हो जाएगा. तो हम ए डी और ए सी को दोनों को इक्वल लेके चल पड़े, ए डी और ए सी इक्वल. अब इसके सामने एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ. इसके सामने का एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ए सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी सी, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे इक्वल. ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये सेकंड, दोनों को ऐड कर देंगे, ए सी बी प्लस ए सी डी, ए सी बी ये हो जाएगा प्लस ए सी डी ये हो जाएगा. दोनों एंगल को हमने ऐड कर दिया, दोनों एंगल को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बी सी डी. और दूसरी साइड क्या था, ए बी सी, ए बी सी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी. और दूसरा क्या है, ए डी सी, ए डी सी, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा. तो इधर तो क्या बन गया, बी सी डी किसके इक्वल आ गया, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी के. नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, अब हमारे पास ट्रायंगल है बी सी डी, एक पूरी के पूरे ट्रायंगल लेके चल पड़े, और उस ट्रायंगल को, अगर ट्रायंगल है हमारे पास तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180. तीनों को प्लस कर देंगे इज इक्वल टू 180. बी सी डी को एज इट इज़ रख लिया, फिर हमारे पास क्या है कि डी बी सी, एंगल डी बी सी और बी डी बी सी और बी डी सी, दोनों को अगर हम सम कर रहे हैं तो हमारे पास किसके इक्वल आता है, कि कोई भी अगर हमारे पास ट्रायंगल दे रखी है बी सी डी, बी सी डी अगर ये 90 डिग्री, हम तो भी तो दिखा सकते हैं ना, जब ये दो हमारे पास ट्रायंगल हैं इन दोनों को हम किसके इक्वल लिख रहे हैं, बी सी डी के, क्योंकि ये हमने थर्ड पार्ट में प्रूव किया था. ये इज इक्वल टू 180 हो जाएगा हमारे पास, और ये अगर 180 हो गया तो इन दोनों को लिखेंगे, दोनों सेम है तो टू टाइम्स हो जाएगी, इसको हम क्या लिख देंगे, टू टाइम्स एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180, और एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 बाई 2. कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा, बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री है तो क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी ये राइट एंगल ट्रायंगल. अब दे दिया कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी. फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल बी और सी फाइंड करेंगे. एक ट्रायंगल दे रखी ए 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है. इन ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है, एंगल ए कितना है 90, और क्या है ए बी है वो किसके इक्वल दे रखी है, ए सी के इक्वल दे रखी है. अब ए बी ए सी के इक्वल दे रखी है, तो ए बी के सामने एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, और ए सी के सामने एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा. तो ये दोनों एंगल भी क्या हो गए इक्वल, तो क्या लिख देंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और एंगल ए कितना है पहले से 90 डिग्री है, देयरफॉर अगर तीनों को प्लस करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ये अगर हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होता है हमारे पास. एंगल ए हमारे पास कितना है 90 डिग्री, प्लस एंगल बी और सी और बी इक्वल हैं, तो सी की जगह भी क्या लिख दिया, प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180. इसको हम क्या लिख देंगे, इधर लिख रही हूँ मैं, टू टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 180, 90 इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 90, और एंगल बी कितना आ जाएगा 90 बाई 2 45, और बी अगर 45 है तो सी भी कितना होगा 45, तो क्या लिखेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच. हमें ये प्रूव करना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके सभी एंगल्स 60 डिग्री के होंगे. अब इक्विलेटरल ट्रायंगल इट मीन्स तीनों साइड इक्वल हैं, सिंपल है हमारे पास. अगर रिजल्ट देखते हैं तो अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे. देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी
इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। सबसे पहले हमने दो को इक्वल लेके चले, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर दो साइड इक्वल हैं तो दोनों एंगल भी इक्वल लिखेंगे, ए सी बी और इज इक्वल टू ए बी सी, इक्वेशन फर्स्ट नाम ले लिया। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, बी सी और ए सी को इक्वल ले लेंगे, बी सी के सामने कौन है एंगल ए और ए सी के सामने कौन है एंगल बी, तो इसको हम क्या लिख देंगे, बी ए सी इज इक्वल टू ए बी सी। ये भी दोनों इक्वल हो गए। और एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो तीनों एंगल्स के नाम लिख लिए, ए बी सी प्लस ए सी बी प्लस बी ए सी इज इक्वल टू 180 ए बी सी प्लस। अब ए सी बी, एंगल ए सी बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, इसकी जगह क्या लिख दिया, ए बी सी। दूसरा क्या है, बी ए सी, इसकी जगह भी क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी, इसकी जगह भी ए बी सी लिख दिया 180। थ्री टाइम्स हो गया, तो इसको हम क्या लिख देंगे, थ्री टाइम्स एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3, 3 से कैंसिल कर देंगे 60 आ जाएगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से हमारे पास, अब ए बी सी 60 है तो वो दोनों भी क्या होंगे 60 60, फर्स्ट और सेकेंड में हमने पुट कर दिया, तो ए सी बी भी कितना आएगा 60 का और बी ए सी बी कितना आएगा 60, सभी एंगल क्या आ गए 60 के, तो यही हमें प्रूव करना था। हैंस ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल से 60 डिग्री के हैं। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 7.2। ओके, थैंक यू।